क्या है संजय सर, आज हम अपने फॉर्मूला के वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ द बाइनोमियल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये हम देखने जा रहे हैं फॉर्मूला, इसके ऊपर ये फॉर्मूला जो है आपके जेब्रा की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको देखने मिलते हैं। पूरा नॉलेज न होने की वजह से हम मिस्टेक कर बैठते हैं। आइए शुरू करते हैं आइडेंटिटीज या सर्व समीकरणों के सूत्र देखते हैं। हमें जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमें पता है। a प्लस बी एक कॉमन, एक बेसिक, इसे बेसिक कहूंगा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर का। अगर हम ऐसे ही देखें तो a माइनस बी का भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ओके, हम इसे समझ सकते हैं कि जो भी आपको यहाँ पे पहला एलिमेंट दिया, इसे पहला पार्ट बोलेंगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पहले पद का वर्ग प्लस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। वैसे ही हम चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं। ओके, चाहे तो इसे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है तो हमें इसका हेल्प लेना होगा। हमें कि a माइनस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे जो माइनस है तब यहाँ प्लस 4ab लिखिएगा। वैसे ही हम इसका भी फॉर्मूला और बना सकते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए आपको इसका हेल्प लेना होगा। तब जाएंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस 4ab लिखिएगा। अब कहेंगे सर इनके दो फॉर्मूला बन गए, इनके भी दो फॉर्मूला बन गए, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे? नॉर्मली हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है पर सवाल बेस्ड हो अल्फा और बीटा के लिए। तो इसे जानते हैं हम लोग यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रूट्स, ये रूट्स कहलाता है, मूल कहलाता है, मूल, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम जानते हैं गुणांक के रूप में, ये गुणांक है, और इसे हम जानते हैं हम लोग यहां पे वर्ग समीकरण। तो हम जानते हैं कि जब आपके सवाल अल्फा और बीटा के रूप में आए, मतलब आपके वर्ग समीकरण चैप्टर से बिलोंग करता है, उस समय मोस्टली आपको इस फॉर्मूला को इस रूप में आपको लिखना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चीज मालूम है, यहाँ पर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए अल्फा बीटा के रूप में एक फॉर्मूला बनता है, उसे कहते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसे हम जानते हैं अपेक्षित वर्ग समीकरण के नाम से, ठीक है। फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूला के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो मोस्ट इस तरह की फॉर्मूला करके हमें इसका आंसर मिल सकता है। कभी कभी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी सूत्र पूछ लेता है, तो इसका सूत्र हमें जानना होगा। इसका सूत्र हम अगर बेस लेते हैं a प्लस बी के रूप में तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर प्लस आपने लिया है तो माइनस 2ab लिखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और वैसे ही अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपस बनाना है और हमें हेल्प लेना है a माइनस बी का, तो लिखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2ab लिखिएगा, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके आगे इसी के बेस पे अब फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था वैसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला था, एक कॉमन फॉर्मूला, इसे भी मैं बेसिक फॉर्मूला कहता हूं, कि ये हमारा फॉर्मूला a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में। अब तक हमने कुल 1, 2, 3, 4, 5 इधर 5 लेते हैं और 6, हमने 6 फॉर्मूला भी हमने कवर किया, ठीक है। आगे हम देखते हैं सातवां फॉर्मूला। सातवां फॉर्मूला कहता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी पूरे का घन दिया हो तो फॉर्मूला बनता है हमारा a का घन प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का घन, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। और हम चाहे तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस
इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, दोनों में थ्री दिख रहा है हम थ्री कॉमन ले लेंगे, दोनों में यहाँ पे ए दिख रहा है तो हम ए ले लिए, दोनों में बी दिख रहा है तो बी को भी कॉमन ले लिए, डब्बा लगा है। अब थ्री तो बाहर आ चुका है, यहाँ ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन है तो यहाँ ए बच गया। अब यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे बी स्क्वायर में से बी कॉमन तो अब एक बी बच गया, फिर यहाँ प्लस बी का क्यूब, तो इसके दो फॉर्मूलास बन गए। वैसे ही हम देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका लिखेंगे ए का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब हम देखें, आप चाहो तो ए फॉर्मूला लिख सकते हो, ए का क्यूब यहाँ पे माइनस लिखा, दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको, यहाँ पे थ्री थ्री लिख दिए, दोनों में ए दिख रहा है ए लिख दिए, दोनों में बी दिख रहा है बी लिख दिए, अब यहाँ बॉक्स लगा दिया हमने, फिर यहाँ ए स्क्वायर में से एक कॉमन है तो यहाँ पे एक ही बच गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे खतरा आता है, क्या डेंजर सिंबल है ये कहता है कि अगर माइनस कॉमन लिया ना तो साइन क्या होगा, चेंज, प्लस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बी स्क्वायर में से एक भी तो कॉमन लिया, अब यहाँ पे बी बच गया, फिर यहाँ माइनस बी का क्यूब। एक बार वापस देखते हैं, अगर ए प्लस बी का क्यूब दिया है तो फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, और उससे आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब हम चाहो तो उससे हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 9 और 10। अभी हमने फॉर्मूला देखा था a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों अलग हैं। बच्चे यहाँ कभी कभी दोनों को फॉर्मूला मिक्स कर देते हैं, ये भी दोनों फॉर्मूला अलग है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ओके, हम देखते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब अगर अलग अलग क्यूब के रूप में आए, क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। या फिर हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसी जगह पे, ए प्लस बी द होल क्यूब, ये वाला ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमें इसके लिए काम में आता है। तो आपको ऐसे सवाल के आंसर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला इस रूप में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने देखा था अभी हाल ही में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है a का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके प्लेस पे हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। अभी फॉर्मूला लिखिए a का, हम a प्लस बी का होल क्यूब का पता फॉर्मूला क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम a का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ओके, अब माइनस, अब हम थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री ए का स्क्वायर और बी लग जाएगा, और यहां माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस बन जाएगा, तो थ्री बन जा थ्री ए और बी का भी मतलब बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम देखें तो ये प्लस है और ये माइनस है, गेट कैंसिल, ये प्लस है और ये माइनस है, गेट कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमें आ गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, हमें सेम मिल गया। ओके, तो इसीलिए हम चाहे तो हम इस फॉर्मूला के जगह हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जिसका हमने अभी बता के दिया कि आंसर भी वही मिलने वाला है। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला बनता है सेम, देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब था ना, तो यहाँ हमने प्लस डब्बा लिया, तो हम यहाँ पे माइनस डब्बा लेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे और अंदर के डब्बे में सबको हम प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। और हम ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ भी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग या हम यहाँ देखो यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे ए माइनस बी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी द होल क्यूब, यहाँ जहां माइनस है वहां लिखेंगे हम प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी, थोड़ा सा बदलाव होगा, जब माइनस साइन आए तो बदलाव क्या होगा, ये ब्रैकेट्स में यहाँ पे माइनस आएंगे और यहाँ पे जो माइनस थ्री ए बी है वहां पे प्लस थ्री ए बी बन जाएगा, इस बात ध्यान दीजिए। अब सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होगा a का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब होता है। ओके, अब हम क्या करें, इसके प्लेस पे हम ये फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, लिखिए a का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी
प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अब हम चलेंगे ये प्लस है तो प्लस का जब प्लस से मल्टीप्लाई अंदर होगा क्या 3 बन जाए 3 हो जाएगा a का एक बार a का स्क्वायर हो गया b। अब यहां प्लस 3 और माइनस का मल्टीप्लाई यहां पे माइनस साइन आ जाएगा 3 बन जाए 3 हो गया फिर a लिखेंगे और b का मतलब b का स्क्वायर हो गया ओके। अब देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है गेट कैंसिल ये प्लस में है ये माइनस में गेट कैंसिल तो हमें अल्टीमेटली a का क्यूब माइनस बी का क्यूब ठीक है। दोस्तों अगर सर्व समीकरणों के आइडेंटिटीज के हमने टोटल यहाँ पे 10 फॉर्मूला देखे इसकी लिस्ट बहुत लंबी है इस फॉर्मूले की लिस्ट बहुत ही और लंबी है तो आपके 9th और 10th के लिए जितना भी कुछ ये था वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं आने वाले नए वीडियोज की। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार।